हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब, ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और मैं अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही स्पेशल, नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि ये तरीका हम सबको आता है, बट मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने विंटर्स के कपड़े जो हैं वो स्टोर करके रखती हूँ। मैं मोस्टली हमेशा बेड में ही रखती आई हूँ, बिकॉज़ वो फिर काम नहीं आते हैं बीच में, कि बीच में निकालो और अलमीरा में रखो या कहीं और रखो, तो इसलिए मैं हमेशा उनको बेड में रखती आई हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरह उनकी पैकिंग करती हूँ, कैसे स्टोर करती हूँ। तो चलिए, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप एक काम कर दीजिए, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए जो नीचे बेल आएगी उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप मेरी आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए गाइस, जहाँ बहुत हो गया इंट्रो एंड प्रमोशन, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो गाइस, आप इस तरीके का बैग यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट साड़ी का बैग था, इसमें बहुत 12 साड़ीज का पीसेस आते हैं, वो आए थे। तो आप किसी भी टाइप का ट्रेवल बैग यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये था इसलिए मैं ट्रांसपेरेंट यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें रखूँगी अपनी कुर्तियाँ, जो मेरे पास गर्म कुर्ती और लेगिंग्स हैं वो मैंने इस बैग में डाल कर रख दी हैं। तो मैं सबसे पहले तो इनको रख दूंगी कॉर्नर में एडजस्ट करते हुए, और उसके बाद मैं अपने शॉल्स रखूंगी। तो मेरे पास ये इतने शॉल्स हैं, एक्चुअली कुछ कपड़े मेरे गर्म कपड़े, शॉल्स और कुर्ती मेरे मायके में हैं, तो अभी मेरे पास जितने हैं मैं उतने रख रही हूँ इस तरीके से। ये जो दो कुर्तियाँ बची थी ये बच गई मेरे पास, जो गर्म कुर्ती थी, तो उनको मैं अलग पॉलिथीन में डालकर रख दूँगी। आप जब भी मार्केट जाते हैं इस तरीके की पॉलिथीन मिलती है, तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं रखूंगी अपनी स्वेटर्स एंड जैकेट्स। और अगर आपके बच्चे हैं, और आप, मैं प्रेफर करूंगी आपको कि आप अपने हस्बैंड के एंड बच्चों के लिए अलग अलग बैग रेडी करें, बिकॉज फिर बाद में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप इस तरीके से एडजस्ट करते हुए रखें। और मैंने ये इजी में वॉश करके और अच्छे से धूप में सुखाने के बाद ही मैं इनको रख रही हूँ। और इस वाले बैग में मेरे जो लोअर हैं, गर्म लोअर होते हैं, वो हैं। मैं एक्चुअली ज़्यादा सर्दियों के कपड़ों पे इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती हूँ, बिकॉज सर्दियाँ दिल्ली में सिर्फ 2-3 मंथ्स ही अच्छे से पड़ती है। मैंने मेरे हस्बैंड का अलग बैग रेडी कर दिया है, और ये सिर्फ मेरे कपड़े हैं। आप इस तरीके से अपने सारे सर्दियों के कपड़े रख सकते हैं। और आपके पास इस तरीके का कोई भी दुपट्टा होगा, जो आपका वेस्टेज है दुपट्टा या इस तरीके का कोई भी कपड़ा हो, तो उससे आप अच्छे से ढक दीजिए। और फिनाइल की गोलियां डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक्चुअली अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं शाम को अपने बेड में अरेंज करूंगी इनको, तो तब मैं लाकर और डालकर रख दूंगी। और मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप प्लीज़ डायरेक्ट फिनाइल की गोलियां ना डालें, उनको टिश्यू पेपर में रैप करने के बाद ही डालें। ये देखिए, आप इस तरीके से इनको ढक दें और गोलियाँ डालना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरीके से हमारी स्टोरेज हो जाती है, और आप इनको डायरेक्टली ऐसे इस तरीके से बैग में रख सकते हो। बाद में आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप अपना बैग निकालिए और अपने या हस्बैंड के कपड़े
कर दीजिए। देखिए इस तरीके से ट्रांसपेरेंट होते हैं तो हमको पता रहता है, और आप कुर्तियाँ अलग रखें बिकॉज बाद में सब मिक्सअप हो जाती हैं, और शॉल्स अलग रखें, जैकेट्स अपनी अलग अलग रखें, तो इस तरीके से आप इनको स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बिकॉज आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए गाइस वीडियो का एंड करती हूँ मैं, मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा प्लीज़ गाइस, आपका एक सपोर्ट हमको बहुत बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए गाइस वीडियो का एंड करते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।